पुष्पा फिल्म के पार्ट वन में दर्शकों को विलेन्स की फौज देखकर काफी मजा आया, जिसमें जॉली रेडी, कोंडा रेडी, जक्का रेडी, मंगलम शेनू और मोगलीज दिखाई दिए थे। लेकिन फिल्म के दूसरे हिस्से में जब फहाद फासिल यानी कि जिन्होंने भंवर सिंह शेखावत का रोल निभाया था उनकी एंट्री होती है तो थिएटर्स की हवा में बिजलियां दौड़ने लगती हैं। फिल्म के आखिरी हिस्से में पुष्पा भंवर सिंह शेखावत की बेइज्जती करता है और भंवर सिंह के क्लाइमेक्स के साथ फिल्म का यहीं पे अंत कर दिया जाता है और दर्शकों का इंतजार रहता है पुष्पा के दूसरे पार्ट का यानी पुष्पा द रूल का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सीक्वल यानी पुष्पा द रूल में फहाद फासिल के अलावा अल्लू अर्जुन का जीना हराम करने के लिए एक और किरदार आने वाला है और ये किरदार निभाने के लिए मेकर्स ने भोकाली स्क्रीन प्रेजेंस वाले विजय सेतुपति को अप्रोच किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा 2 के मेकर्स ने दमदार एक्टर विजय सेतुपति को भयंकर विलेन का किरदार ऑफर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार विजय ने फिल्म में एक नए रोल के लिए अपनी मंजूरी तो दे दी है और अल्लू अर्जुन के सामने खतरनाक खूंखार विलेन बनकर पुष्पा 2 में नजर आने वाले हैं। फहाद फासिल के इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत के साथ मिलकर फिल्म में विजय का कैरेक्टर अल्लू अर्जुन का बनाया एम्पायर राग करता दिखेगा। आपको बताना चाहेंगे कि पुष्पा के पहले भाग के समय में भी मेकर्स ने विजय को एक महत्वपूर्ण किरदार के लिए पहले भी अप्रोच किया था। उन्हें किरदार पसंद भी था लेकिन दिक्कत डेट्स की थी। पुष्पा शूट करने के लिए मेकर्स ने विजय से जो डेट्स मांगी थी वो उन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए रखी हुई थी। इसी वजह से पुष्पा के पार्ट वन में विजय सेतुपति की एंट्री नहीं हो पाई। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार अपनी स्क्रिप्ट को कसने और सीक्वल के लिए पहले से भी ज्यादा दमदार बनाने पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं इस साल अगस्त से पुष्पा 2 का शूट शुरू हो सकता है और पहला शेड्यूल ही 6 महीने से ज्यादा चलने वाला है। पुष्पा 2 के फिल्म के एक्शन सीक्वेंस भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे महंगे दृश्यों में से एक होंगे। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन पर काम किया जाएगा यानी फिल्म के अब 2023 के मिड में रिलीज होने की उम्मीद है। फिल्म के पहले पार्ट में पुष्पा की भूमिका में अल्लू अर्जुन और श्रीवल्ली की भूमिका में रश्मिका मंदाना ने दर्शकों को अपने अभिनय से काफी प्रभावित किया है। दर्शकों को उम्मीद थी कि फिल्म के दूसरे पार्ट में दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो दूसरे पार्ट में श्रीवल्ली के किरदार को कम सीन दिए गए हैं। इतना ही नहीं, पुष्पा पार्ट 2 में श्रीवल्ली की मौत हो भी सकती है। फिल्म के खतरनाक विलेन फहाद फासिल को श्रीवल्ली को मारते हुए दिखाया जाएगा, जिसके बाद पुष्पा अपनी पत्नी का मौत का बदला लेते हुए नजर आएगा। अब ये तो हमें फिल्म के आने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म की कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री की फिल्म KGF चैप्टर 1 के बाद KGF चैप्टर 2 ने जो धमाका किया है और सभी रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं, क्या आपको लगता है पुष्पा 2 भी वह कमाल कर दिखाएगी? क्या पुष्पा 2 KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।